जनजाति क्षेत्रीय विकास मांडा योजना द्वारा शनिवार को मां बाड़ी प्राथमिक शिक्षा केंद्र रामसिंहपुरा की ढाणी में छोटे करीब 30 छात्र छात्राओं के अभिभावकों मां बाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरित किया गया। मां बाड़ी योजना शिक्षा सहयोगी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते स्कूल में अध्ययनरत बालकों के अभिभावकों को पोषाहार का वितरण किया गया है, जिसमें कि स्वेटर, ड्रेस, जूते, मोजे, टाई बेल्ट आदि सामग्री वितरित की गई है। इस दौरान स्वच्छ ऑफिस से समन्वयक बाबूलाल सुसावत, मां बाड़ी योजना शिक्षा सहयोगी संतोष कुमार मीणा एवं अभिभावक रामकेश बंटी मेहर, विनोद मेहर, मेहर कैटरस दोसा, मुकेश कुमार आदिवासी राम खिलाड़ी, अशोक कुमार मीणा, रंजीत कुमार मीणा, लालचंद मीणा, मीठा लाल मीणा, प्रिया देवी मीणा, प्रहलाद मीणा, सुनीता देवी मीणा, भावना मीणा, शिमला देवी, हरिनारायण मीणा आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। नमस्कार सर, गुरुजी नमस्कार। हाँ, शुभ नाम सर, संतोष कुमार मीणा। हाँ, तो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये सर बहुत बढ़िया, आज से नहीं है, 2-4 महीने पहले चल रहा है और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कोरोना में जो पोषाहार, पूर्व पोषाहार दिया जाए वो घर बैठे बच्चों को खिलाने के लिए दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से जो अपना जनजाति विभाग चल रहा है उसमें बच्चों को पूरा ध्यान रखा जा रहा है और किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है बच्चों के लिए, शिक्षण के साथ साथ सामग्री भी दी जा रही है पोषाहार की। धन्यवाद सर। ओके सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कुछ खास वजह? आज अपने मां बाड़ी केंद्रों पर राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की ओर से स्वच्छ परियोजना द्वारा जो मां बाड़ी केंद्र संचालित है दौसा जिले में, हाँ सर, उनमें दौसा जिले के आज 21 केंद्रों पर पोषाहार सामग्री का वितरण है, जिसमें पोषाहार सामग्री के जो किट दिए जा रहे हैं कॉम्बो किट, हाँ सर, उनमें बालकों को, अभिभावकों को बुलाकर और जो पोषाहार अभी लॉकडाउन के दौरान उन बालकों को घर बैठे पोषाहार दिया जा रहा है सूखी सामग्री के तौर पे, जिनमें चावल है, आटा है, दाल है, विभिन्न प्रकार के मसाले हैं, तेल है, बिस्किट है, ये सारी चीज़ें दी जा रही है। तो फिर इसमें दौसा जिले में कितने जगह पर गए हो आप आज? आज 8 स्थानों पर था, अपने यहाँ अभेपुरा है, नड़ावाली ढाणी, छारेडा है, सिंहपुरा में बार वालों की ढाणी, ये रामसिंहपुरा में था, इसके अलावा ठीकरिया, बीचला की ढाणी, इस तरह से करके 8 केंद्रों पर आज के कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है सर, धन्यवाद।